आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप लोग कोई भी मिनी ब्रांच ओपन कैसे करेंगे। तो मन में कंफ्यूजन होता है कि हम किस कंपनी के थ्रू जुड़े और कैसे हमें मिनी ब्रांच मिलेगा। देखिए, अभी मार्केट में बहुत सारा फ्रॉड भी चलता है और उसके बाद कोई भी अच्छी जो सटीक जानकारी होता है यूट्यूब पे या फिर कहीं भी आपको नहीं मिलता है। लेकिन हम अपना एक्सपीरियंस और जो मैं अपना मिनी ब्रांच चला रहा हूँ उस हिसाब से मेरे पास एक्सपीरियंस और मेरे पास नॉलेज भी है कि किस तरीके से मिनी ब्रांच ओपन किया जाता है। इस वीडियो में मैं डिटेल्स जानकारी देने वाला हूं कि आपको मिनी ब्रांच ओपन कैसे किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे बैंक है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन, पंजाब नेशनल, SBI, उसके बाद बहुत सारे बैंक और भी है जैसे कि इंडियन हो गया, इलाहाबाद हो गया, उसके बाद एक्सिस, HDFC, ICICI एक्सेट्रा बैंक। उसके बाद आपको इस सभी बैंक से आपको कांटेक्ट कैसे करना है मिनी ब्रांच लेने के लिए। सबसे पहली बात किया जाए कि आपको मिनी ब्रांच देता कौन है। इसमें दो लोगों का अहम रोल होता है। एक तो होता है कि आपको ब्रांच अप्रूवल दे और उसके बाद जो एक इसके बीच को जो प्रोवाइडर होते हैं, जो भी कंपनीज होती है, वो आपको अप्रूवल देते हैं, तब जाकर के आपको एक मिनी ब्रांच ओपन करने का ऑप्शन मिलता है। देखिए, मिनी ब्रांच ऐसी ही इंडिविजुअल किसी भी लोगों को नहीं मिलता है। सबसे पहले इसमें तो एक बैंक का बहुत बड़ा अहम रोल होता है कि मिनी ब्रांच ओपन करने में। उसके बाद दूसरा जो कंपनी होती है, वो भी कंपनी आपको जब अप्रूवल देगी तब जाकर के आपको ब्रांच ओपन किया जाता है। जैसे कि सपोज मानिए कि आप किसी कंपनी के साथ जुड़े हैं, जैसे कि अगर मान के चले कि आप जीरो मार्क्स के थ्रू आप जुड़ रहे हैं या फिर संजीवनी विकास फाउंडेशन के थ्रू आप जुड़ रहे हैं, तो आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सब डॉक्यूमेंट को अप्रूव किया जाता है और उसके बाद आपके लोकेशन को भी अप्रूव किया जाता है। सबसे पहले इसमें चीज होता है कि आपको पंचायत वाइज या फिर आपका जो भी लोकेशन होता है, आपका विलेज होता है, उस पे बैंक अप्रूवल देती है या नहीं देती है, उस हिसाब से आपको जो भी कंपनी होता है वो आपको अप्रूवल देती है। कोई भी आप कंपनी से जुड़ते हैं, जैसे कि बहुत सारे मार्केट में भी कंपनी है, जैसे कि संजीवनी विकास फाउंडेशन हो गया, सेब हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जीरो मास हो गया, फियाबाद हो गया, फिया ग्लोबल हो गया, उसके बाद आता है एक अविरल टेक्नोलॉजी। ये सभी कंपनी सबसे पहले आपका लोकेशन अलाउ करते हैं, उसके बाद अगर लोकेशन आपका खाली होता है तब जाकर के आपको अप्रूवल देता है। जब ये अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद ये फॉर्म ब्रांच मैनेजर के पास सबमिट किया जाता है। सबमिट होने के बाद अगर आपका ब्रांच मैनेजर अप्रूवल दे देता है, यानी कि अगर ब्रांच मैनेजर को लगता है कि इस लोकेशन पे खाली है BC पॉइंट, तब जाकर वो अगर अप्रूवल दे देता है तब जाकर के आपका CSP पॉइंट ओपन किया जाता है। आपका जो कंपनी है अगर वो और अगर बैंक दोनों बीच में कोई एक भी अप्रूवल नहीं देता है तो आपको इस केस में मिनी ब्रांच ओपन नहीं किया जाता है। तो मिनी ब्रांच के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया और आपकी क्वालिफिकेशन और आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होनी चाहिए वह हम आपको क्लियर करने वाले हैं। और उसके बाद आपको किस तरीके से कोई भी जो रजिस्टर्ड कंपनी होती है उस कंपनी से आपको किस तरीके से कांटेक्ट करना है, को ब्रांच मैनेजर से कांटेक्ट कैसे करना है, इस वीडियो में मैं डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। मेरा नाम MD नूर आलम है और आप देख रहे हैं NBGI यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मिनी ब्रांच लेने के लिए आपके लोकल में जो भी हेड ब्रांच होते हैं, जिस भी बैंक के आप लेना चाहते हैं, उससे सबसे पहले आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ता है कि भाई कि सर हम मिनी ब्रांच ओपन करना चाहते हैं, हम किसी भी कंपनी से हम फाइल लगवाना चाहते हैं, अगर आप अप्रूवल दे देंगे तो हम मिनी ब्रांच के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर वो बोल देते कि हाँ आप अप्लाई करो, हम यहाँ से अप्रूवल दे देंगे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं और वहां से ब्रांच मैनेजर जब हाँ बोल दिए तो इमिडिएटली है कि आपका अप्रूवल मिल जाएगा। अगर आपका ब्रांच मैनेजर किसी भी तरीका से बोलते हैं कि नहीं हम अप्रूवल नहीं देंगे, हमारे ऑलरेडी 2-4 CSP यहाँ से चल रही है या फिर बहुत सारे बहाना होते हो, अगर वो करते हैं तो उस केस में क्या होता है, वहां से आपको मिनी ब्रांच नहीं दिया जाता है। अगर आपका जो भी एजेंसी है, पर्टिकुलर हम किसी एक कंपनी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि बहुत सारा कंपनी है, अगर एक कंपनी का हम अगर नाम ले लेते हैं तो उस कंपनी का प्रमोशन हो जाता है, तो हम किसी भी एक कंपनी का नाम नहीं लेंगे। आप जिस भी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं उस कंपनी से बात कीजिए कि हमारे ब्रांच मैनेजर जो है वो अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, क्या आप अप्रूवल दिवा सकते हैं। अगर वो बोलते हैं कि हाँ हम अप्रूवल दिवा देंगे और सभी काम हम करके देंगे, तो आप उस कंपनी से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। रियल केस में क्या होता है कि जितने भी कंपनी होते हैं जो भी प्रोवाइड करते हैं CSP, वो कंपनी मैक्सिमम जो होते हैं वो कहते हैं कि ब्रांच मैनेजर को आप खुद कन्वेंस कीजिए और खुद से बात कीजिए। लेकिन कुछ ऐसे भी कंपनी हैं
जो कि डायरेक्ट प्रोवाइड करती है और वो खुद ब्रांच मैनेजर से ही कॉन्टेक्ट करते हैं और ब्रांच मैनेजर तक के अप्रूवल देने का उस कंपनी के ही हाथ में होता है। अभी जो हम मिनी ब्रांच चला रहे हैं उसमें क्या है कि हमारा कोई भी रोल नहीं था ब्रांच मैनेजर को अप्रोच करने में, क्योंकि हमारा जो कंपनी था वो डायरेक्ट हमसे डॉक्यूमेंट लिया और सभी काम उन्होंने करके दिया। इसमें क्या क्या होता है कि एक जो कंपनी है वो बेस्ट कंपनी भी है और हमें क्या है इसमें बेनिफिट, क्योंकि हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि ब्रांच मैनेजर को जो कन्विंस करने की बात है तो आम पब्लिक या फिर आम जनता को बहुत सारा दिक्कत को सामना करना पड़ता है। जो भी कंपनी का जो डीसी सर होते हैं या फिर डीसी ऑफिसर होते हैं वो आते हैं और वो फाइल मेरा अप्रूवल वहां से करवा करके जाते हैं और उसके बाद ही मेरा कोड आ जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि जो भी कंपनी आपका प्रोवाइडर है उस कंपनी का कुछ चार्ज भी होता है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस भी होता है और उसके बाद जो भी ब्रांच मैनेजर को अप्रोच करते हैं जो भी आने जाने का जो खर्चा होता है वो कंपनी का वो आपको देना पड़ता है, क्योंकि आपका काम है तो आपको ही देना पड़ेगा पैसा। तो इस तरीके से आपका इसमें खर्चा लगता है, उसके बाद ही आपका बीसी पॉइंट अप्रूव किया जाता है। आपको लगता है कि मैं किस कंपनी के थ्रू बीसी पॉइंट लिया हूं? अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पर नंबर दिया गया, वहां से व्हाट्सएप कॉलिंग दोनों नंबर है, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में कुछ ऐसे बैंक खाली हैं सीएसपी के लिए तो हमें आप बताइएगा, क्योंकि अगर आपका फाइल लगने वाला होगा तो हम यहां से लगवा सकते हैं और काफी बेहतरीन ये सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं और इसका कमीशन भी बहुत अच्छा खासा है और कमीशन टाइम टू टाइम हमारा आ भी जाता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नई बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके।